For more videos, like, share and subscribe my channel Prototype Trailer and press the bell icon. बताएंगे कि कैसे हम किसी भी गेम को विद डाटा सेंड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें शेयर इट ओपन करना होगा और हमें फिर सेंड पे जाना है. उसके बाद हमें फाइल्स में जाना है. उसके बाद हमें इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट करनी है. उसके बाद हमें एंड्रॉयड पे क्लिक करना है. फिर हमें उस गेम का डाटा सेलेक्ट करना है जो कि 1.53 GB का कुछ होता है. उसके बाद हमें वो उस ऐप की गेम APK फाइल को सेलेक्ट करना है. आज हम इस वीडियो में पबजी गेम को सेंड करके बताएंगे. और ये गेम अब जा रही है रिसीवर को. इस माध्यम से आपको गेम की एक्सटर्नल जो फाइलें होती है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हम आपको पूरा बताएंगे किस तरह आप OBB फाइल को सीधा शेयर इट से सेंड कर सकते हैं. जबकि अगर हम यूई गेम सेंड करें तो इसमें सिर्फ APK फाइल ही सेंड होती है, जबकि बाकी 1 GB डाटा हमें डाउनलोड करना पड़ता है. जैसे ही आप दोनों फाइलों को रिसीव कर लेते हैं, यानी कि APK फाइल और OBB फाइल जिसमें कि गेम का सारा डाटा होता है, तो सबसे पहले आपको APK फाइल को इंस्टॉल करना होता है. और उसके बाद जो OBB फाइल होती है जिसमें कि गेम का सारा डाटा होता है, जो कि जब आप शेयर इट से गेम को सेंड करते हैं जिसमें कि डाटा नहीं आता, सिर्फ APK फाइल ही सेंड होती है. इस गेम को हमें इंटरनल स्टोरेज से जाके सेलेक्ट करना होता है. सबसे पहले एंड्रॉयड पे क्लिक करना होता है. उसके बाद हमें इंटरनल स्टोरेज में एंड्रॉयड, उसके बाद OBB फाइल, उसके बाद com.tencent.ig की फाइल आती है. उसको क्लिक करने के बाद हमें OBB फाइल मिलती है जिसमें कि पबजी मोबाइल का सारा गेम डाटा सेव होता है. उसके बाद हमें उस फाइल को भी सेंड करना होता है. उसके बाद जब रिसीव सेंडर से जब रिसीवर इस फाइल को रिसीव कर लेता है, उसके बाद वो APK फाइल को इंस्टॉल कर सकता है. और उसके बाद जो वो दूसरी OBB फाइल जिसमें कि गेम का सारा डाटा होता है उसको जब रिसीव करता है, तो उस डाटे को उसे जहाँ से वो उसने सेंड किया तो वहीं पे जाके फाइल को सेव करना पड़ता है. जैसे कि इंटरनल स्टोरेज में एंड्रॉयड में जाके उसके बाद OBB फाइल के एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर क्लिक करके एक फोल्डर बनाना होता है com.tencent.ig, जैसे कि आगे इस वीडियो में बताया जाएगा. उसके बाद वहाँ पे इस OBB फाइल को पेस्ट करना होता है. उसके बाद जब आप APK फाइल को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो आपको एक्सटर्नल फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा वो चल पड़ती है. जबकि होता ऐसा है कि जब आप APK फाइल को सेंड करते हैं किसी भी जैसे कि शेयर इट से, तो सिर्फ APK फाइल ही सेंड होती है, बाकी जो 1 GB डाटा वो सेंड नहीं हो पाता है. इस तरह से आप पूरी गेम को सेंड कर सकते हैं और विदाउट डाटा अप्लाई.
अच्छे वाले भाई।